ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई। ये संदेश खाली नहीं है, ये पूरा बंगाल का सब एरिया में इस तरीके से काम चलता है। जो हमास ने कर रहा है वही काम बंगाल में कर रहा है। ये लोग एक ही नारा है, नो भोटू बीजेपी, नो भोटू नरेंद्र मोदी। बंगाल का किस तरीके से हाल होता आप देख लीजिए। ये संदेश खाली नहीं है, ये पूरा बंगाल का सब एरिया में इस तरीके से काम चलता है। ममता बनर्जी का संरक्षण में चल रहा है। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई। बंगाली में पीसी और हिंदी में बुआ, ये बुआ भतीजा का सरकार वो दीदी नहीं है। दीदी नाम का साथ एक ममत एक ह्यूमेंटेरियन आती है, लेकिन ममता बनर्जी का क्रुएल्टी, उन्होंने मैं नंदीग्राम में उनको हराया 1956 वोट से। उसका बाद ही लॉज 42 केसेस अगेंस्ट मी। इतना क्रुएल लेडी, इतना क्रुएल। वो क्या हो रहा है सीरिया में, जो हो रहा है बंगाल में भी वही हो रहा है। जो हमास ने कर रहा है वही काम बंगाल में कर रहा है। और एक टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी गैंग को संरक्षण ममता की सरकार दे रही है। कुछ दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग करके ये जो नक्सल और एसएफआई का गठबंधन है, मिला भगत है, ये लोग रैगिंग करके गरीब लड़का को मार दिया। उसका बाद हम लोग जब प्रदर्शन किया, उसका बाद सीधा हमला कर दिया। ये लोग बोला हम लोग माओइस्ट है। इसका एक ही ममता के संरक्षण में है। और जब चुनाव आता है, ये लोग के एक ही नारा है, नो भोटू बीजेपी, नो भोटू नरेंद्र मोदी। ये वंदे मातरम नहीं बोलता है, देश की जातीय नेशनल ये एंथम नहीं बोलने का मौका देता है। 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने के लिए और सरस्वती माँ का बंधन भी रोक रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। एक टुकड़े टुकड़ों गैंग को हटाना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। इसका काम हम लोग कर रहा है। मेरा ऊपर सुकांत जी के ऊपर विश्वास रखिए, बंगाल में भी राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार होगा। और इतना जो जुल्म हमारी माता के ऊपर हो रहा है, दीदी बहन के ऊपर हो रहा है, हर केस के ऊपर हम लोग अगले दिन कार्रवाई करेगा। और जेएनयू का टीम जो भेजने का नेता प्रपोजल सुकांत जी ने दिया, प्लीज कम वंस, सेंड ए टीम, बीजेपी एंड योर लाइक माइंडेड पीपल, वी विल अरेंज एवरीथिंग।